बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर दें। शामी कबाब बनाने के लिए हमने 1 kg चने की दाल ले ली थी और 1 kg हमने गोश्त ले लिया था। गोश्त बगैर हड्डी के लेना है। हसब जरूरत नमक और 2 चम्मच हमारे पास जीरा था, साबुत जीरा, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच हमारे पास साबुत धनिया थी, सूखी साबुत धनिया, और प्याज था। प्याज को हमने दरमियाने साइज में काट लिया। अब हमने एक बड़ा पतीला ले लेना है। आप प्रेशर कुकर भी जो मर्जी आप ले सकते हैं और उसमें जो सारी चीज़ें थी वो डाल देंगे। गोश्त डालना है, ऊपर से चने की दाल और जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे हमारे पास, प्याज और स्पाइसेस वगैरह सब कुछ हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसको हम चूल्हे पर चढ़ा के ढक के इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको कवर करके इसी तरह पकने देंगे। यहाँ पे कोई तकरीबन 3 घंटों के बाद इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था और ये बिल्कुल रेशे रेशे हो गया, जिस तरह के हमें चाय था कबाबों के लिए। अब चम्मच की साइड और यहाँ हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इसमें हम 2 अदद अंडे डाल देंगे। अंडे डालने के शामी कबाब का मसाला हमारा तैयार हो गया। इसमें हमने और कोई स्पाइसेस या कुछ नहीं ऐड किया, जो मैंने आपको शुरू में बताया था वही हमने इसमें डालना है। और अब हम इसमें 1 अदद अंडा डाल देंगे। ज़्यादा अंडा नहीं डालेंगे क्योंकि फिर जो उसका मसाला है वो जुड़ेगा नहीं और जो हमारे कबाब होंगे वो अच्छे नहीं बनेंगे। 1 अंडा डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसकी हम टिक्कियाँ बना लेंगे। इतना मसाला था हमने सबकी टिक्कियाँ बना के यहाँ पे रख दी हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें इस तरह बना के फ्रीज भी कर सकते हैं तकरीबन 15 या 20 दिन के लिए, या आप चाहें उसी वक्त फ्राई करके खा लें, लेकिन इनको हम फ्रीज भी करके रख सकते हैं। अब बारी आती है शामी कबाब को फ्राई करने की। फ्राई करना तो बहुत आसान सा है, बस आपने पैन में ऑयल डालना है और जो टिक्कियाँ हैं आपके पास उसको अपने फ्राई पैन में रख देना है। शामी कबाब की जो टिक्कियाँ थी वो एक तरफ से फ्राई हो गई थी तो उन्हें दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे हम। शामी कबाब दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें उतार लेंगे। ज़्यादा मैंने नहीं फ्राई करेंगे नहीं तो ये बहुत ज़्यादा जल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।